सुरसंगम वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं सुरसंगम वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज श्री कृष्ण का भजन है और बहुत ही प्यारा, और भजन है ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना मेरे मोहन मैं नाचू तू गा। तो इसको बजाने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात गा और नी हमारा कोमल रहेगा। सारे गा कोमल मा पा दा नी कोमल, फिर ये सा तक जाएगा, रे तक भी हम टच कर सकते हैं लेकिन सा से हमारा काम हो जाता है। और मंद सप्तक में देखें तो एक नी आएगा जो भी कोमल है, यानी कि सा से लेके सा, इधर रे में जाएंगे इधर नी पे जाएंगे, यानी 8 और 2 10 सुर लगभग हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर गा और नी कोमल है ये ध्यान रखें, बाकी सारे सुर हैं वो शुद्ध हैं। ठीक है, शुरुआत इसकी ये मंद सप्तक के नी से ही होती है। ठीक है, और यहां से चलता हुआ ये यहां तक जाता है, थोड़ा जो सुरों का विस्तार है ना वो ज्यादा है, बाकी टफ कुछ भी नहीं है। बहुत ही प्यारा भजन है, आप अपने डायरी में ऐड करने वाले हैं मुझे पता है सुनने के बाद में, अगर आपने सुना होगा तो ऑटोमेटिक हो गई। चलिए मैं आपको गुनगुना के बताता हूं और फिर उसके बाद में आपको समझाता हूं। ऐसी ताने सुना पे, ऐसी तान सुना मेरे मोहन मैं नाचूंगा सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना। ये तो इसका स्थाई है, उसके बाद में बहुत आसान सी इसके अंतरा है, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ, ये शुरू यहां से हो रहा है और वहां तक जाता है, उस बारे में कोई दीदा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से बजा पाएंगे, देखते हैं। तो यहां से है ऐसी नी सा और फिर सा से सीधा गा पे है, ऐसी ताने सुना नी सा क्या क्या ऐसी तान सुना बोला, तो ऐसी तान के लिए नी सा गा रे सा, फिर सांवरिया सारे सानी, फिर वापस ऐसी तान सुना बोलेंगे नी सा गा रे सा, फिर ये किया और फिर ऐसी तान सुना सांवरिया, तो ये जो सांवरिया इसमें सुर आगे बढ़ता मा पे जाएंगे, ये करेंगे मा गा रे सा। ठीक है, तो देखते हैं दोबारा, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना। पहले हमने क्या था सांवरिया को सारे सानी, ये क्या सांवरिया, और अब क्या करेंगे सांवरिया सावरिया, ये दो सुर थे ना, इसमें हमने दो और बढ़ा दिए माँ और गा, सावरिया ऐसी तान सुना। वापस देखिए बिल्कुल स्लो में, ऐसी तान
धार बहे इस मन में, तो ये गारे सानी में हो रहा है। अनुपम प्यार बहे सेम ही है, लेकिन माँ को टच करके माँ गारे सानी, इसमें ये अंतर है। आपका भजन तैयार हो चुका है, ये समझ लीजिए, इसको समझ लो बस। फिर आगे जो लाइन है वही आएगी इसी प्रकार से, पा से सीधा पा दा से, ठीक है। ओ शुरुआत यहां से, ओ रस की धारे की धारे बहे इस मन में, गारे सानी गा गारे सानी सा गारे सा, रस की धारे बहे इस मन में, गारे सानी गारे सानी सागर ऐसा, गारे सानी सागर ऐसा, ठीक है। फिर अगली बार जो है, रस की धारे बहे इस मन में, अनुपम प्यार अनुपम प्यार बहे इस मन में, अनुपम प्यार बहे इस मन सेम वही है, गारे सानी फिर सागर ऐसा हो रहा था वैसे, उसमें भी बस थोड़ा सा जो गा से है, गा मा मा गा से सीधा माँ को टच करे, गा मा गारे सानी सागर ऐसा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो स्लो देखते हैं, अनुपम प्यार सॉरी रस की धारे बहे इस मन में, अनुपम प्यार बहे इस मन में, रस की धारे बहे इस मन में, अनुपम प्यार बहे इस मन में, फिर वही आ जाएगा, तेरी याद ना बिसरे एक पल, सीता ने
शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, नहीं किया है तो कर ले। धन्यवाद।